क्लास में हम लोग ये बताया जो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रिप्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है। लेकिन हम उस समय जानते थे क्या ना, ए ग्लूकोज से 38 ATP इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद प्राप्त होता है। लेकिन कुछ केस में देखा जाता है 38 ATP के बजाय 36 ATP नेट गेन होता है। जैसे ये जो दो केस है यानी यहाँ की शॉर्टन मेकनिज्म कार्यरत होता है ना, हम लोग जानते हैं ना ब्रेन में, मस्तिष्क में या पेशी में क्या होता है ना, जो साइटोसोल में बने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी उस डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट से डीएसओ 3 फॉस्फेट बनते हैं। अब उस समय जो बने एनएडी से एनएडीएच की जो है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ नहीं पाता, इसीलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बदलना पड़ता है, जो कि साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। और इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है जो कि इम्पर्मियबल था, ओवरकम था, वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के लिए खुल जाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लिए ये बंद रहता है। इसलिए जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बदलता है और वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उससे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पर आ जाता है, जहाँ एक स्पेसिफिक पार्मिज इंजिन कार्यरत होता है उसकी रास्ता से पहुंच जाता है। जैसे मैट्रिक्स में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पहुंच जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज इंजिन है उसकी उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ जो को फैक्टर है वो एफीडी लगता है और एफीडी एफीडीएच2 पे परिवर्तित होता है, जो कि हाइड्रोजन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से वो कैरी कर लेते हैं, ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं एक अणु एफीडीएच2 से 2 ATP प्राप्त होता है इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसीलिए जो 38 ATP था उससे जब हम लोग 2 ATP जो वो निकाल ले तो टोटल 36 ATP प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक अन्य शॉर्टन मैकेनिज्म भी यहाँ क्रियाशील है जिसका नाम है मैले एस्पार्टेट शटल। तो मैले एस्पार्टेट शटल की केस में ये दिखा गया जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, इस ऑक्सलो एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उनको क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं आ पाता, लेकिन मैलिक एसिड के लिए रास्ता खुला रहता है। जो स्पेसिफिक पार्मिज इंजिन है वो मैलिक एसिड को मैट्रिक्स को आने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन ऑक्सल एसिटिक एसिड के लिए ये अपारगम होता है। इसलिए ऑक्सल एसिटिक एसिड पहले मैलिक एसिड में बदलता है और उस मैलिक एसिड जो है पुनः मैट्रिक्स में प्रवेश करता है और मैट्रिक्स में उपस्थित मैलिक एसिड जो आया वो डिहाइड्रोजनेज इंजन की उपस्थिति में और को फैक्टर एनर्जी की प्रेजेंस में ऑक्सल एसिटिक एसिड में पुनः बदलेगा और उस ऑक्सल एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में बदलता है और एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक जो एसिड है वो पुनः लौट के आ जाता है कहाँ, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, क्योंकि ऑक्सल एसिटिक एसिड आइदर साइटोसोलिक हो या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को उपस्थित हो वो इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड मैट्रिक्स में एस्पार्टिक एसिड में बदल जाता है तो उस एस्पार्टिक एसिड पार्मेज इंजन की जो रास्ता है वहां से डायरेक्ट इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाता है। इस रूप में ये दोनों शटल मैकेनिज्म है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपभाजन में क्रियाशील होता है। पहला ब्रेन और पेशियों में एनर्जी शटल या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल क्रियाशील होता है, जबकि मैलेट एस्पार्टेट शटल किडनी वो अन्य ऑर्गन जो ऑर्गन्स है उसमें वो काम करता है। ठीक बात।